अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो जनरल नॉलेज के लिए, कि आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर। नंबर वन, वर्ल्ड जनरल नॉलेज मीन कंट्रीज़ के कैपिटल्स, करेंसीज वगैरह। दूसरा, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं फिर वर्ल्ड में, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है चाइना में, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अभी ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी उसके बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है। रिसेंट जितने भी हुए वाक़यात वगैरह, हालात और वाक़यात आपको पता होना चाहिए। नंबर टू, पाकिस्तान की हिस्ट्री और करंट अफेयर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेन फर्स्ट आर्मी चीफ आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान का सदर कौन था, पहला वज़ीर आज़म कौन था, और करंट अफेयर मीन आज के मिनिस्टर वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, करंट डॉलर का रेट क्या चल रहा है। फिर उसके अलावा वर्ल्ड इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, WHO, फिर यूनाइटेड नेशन है आपके पास, उसके जनरल सेक्रेटरी का नाम मेरा आपको आना चाहिए, और सार का भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ शामिल हैं, उसका पर्पस क्या है। उसके अलावा आपको क्विक मैथ के क्वेश्चंस, परसेंटेज वगैरह किसी भी नंबर की पूछ सकते हैं, और उसके अलावा प्रॉफिट लॉस, ज़कात कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक्सेस है क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करने के लिए दे देते हैं, सामने जो कैलेंडर मीन टेबल पर अगर पड़ा हो तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका एरिया कितना है, या वॉल पे कोई क्लॉक वगैरह या कोई पिक्चर हो तो उसका साइज़ वगैरह आप एरिया कैलकुलेट करने का बोल देते हैं। और अगर आपने FSC बेसिस पे अप्लाई किया हुआ है तो आपको फिज़िक्स का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मीन फिज़िक्स के लॉज जो है, बायल लॉ, पास्कल लॉ, न्यूटन के लॉज वगैरह आपको पता होने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। आपने गूगल पे आना है, और गूगल पे आके आपने gotest.pk सर्च करना है। gotest.pk के पे मुख्तलिफ चीज़ों के आपके पास सेक्शन बने हुए हैं जिन पे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, एंट्री टेस्ट के लिए, CSS, मीन मल्टीपल आपके पास टेस्ट हैं यहाँ पे। तो सपोज मैं जॉइन पाक आर्मी पे क्लिक करती हूँ, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास लिस्ट ऑफ टेस्ट शो होगी नीचे, जिसमें जनरल नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। बाय द वे, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह की तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर इनिशियल की तैयारी के लिए, GDP और एनालिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। और सेकेंडली, अगर आपने जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करना है, आपने जनरल नॉलेज वाले टेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जनरल नॉलेज टेस्ट आपके पास डिस्प्ले होंगे। ये वर्ल्ड जनरल नॉलेज है, एनवायरनमेंट, डिवाइसेस, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, वर्ल्ड फेमस इन्वेंटर्स, अच्छा वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज़, आपके पास तरह तरह के क्वेश्चन के टेस्ट गिवन है। आप इनमें से अपनी मर्जी के उठाए कोई भी तैयार कर सकते हैं। बाकी आप अगर आप ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छी तैयारी करने जाते हैं, तो आप डोगर पब्लिशर की बुक भी ले सकते हैं। और उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने डेली की न्यूज़ सुननी है मस्ट, क्योंकि अगर आप न्यूज़ नहीं सुनेंगे तो आपके पास नॉलेज नहीं होगा। मोस्टली जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह में, वेदर ISSB का इंटरव्यू है या इनिशियल इंटरव्यू है, वो ज़्यादातर जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर के रिगार्डिंग, उसी के रिलेटेड होते हैं, तो आपने उसकी अच्छे से तैयारी करनी है। अभी करंट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोरोना वायरस, ऑस्ट्रेलिया में आग किस वजह से लगी थी, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर कोरोना वायरस के आपने इन डिटेल आपने उसको देख के जाना है कि कोरोना वायरस में फैलता कैसे है, और क्या उसका कोई इलाज वगैरह, अभी तक कोई वैक्सीन वगैरह उसके लिए बनी है या नहीं, आपको सब अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी मैथ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, परसेंटेज वगैरह। मैं ट्राई करूँगी कि अलग से एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की कैलकुलेशन के बारे में बताऊँ, उसके अलावा सिंपल से फार्मूलाज आपको बताऊँ कैसे आप परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक